मैंने अभी एक रीडिंग की पूरी वीडियो बनाई थी स्टेप बाय स्टेप गाइड, उसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे कि फोनिक्स क्या है, हम बच्चे को फोनिक्स के जरिए रीडिंग कैसे करा सकते हैं, जॉली फोनिक्स जो है वो बाकी फोनिक्स से डिफरेंट क्यों है, कुछ स्कूल्स वाले इस तरह से क्यों साउंड्स करवाते हैं एक्ट ईप, और कुछ लोग ए बी सी एव खा से क्यों, मतलब कुछ लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, कुछ लोग इस सेट को फॉलो करते हैं एक्ट ईप, तो ये जो है ये डिफरेंट कैसे है जॉली फोनिक्स, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर आपने रीडिंग सेशन वाली मेरी नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखें जिसमें मैंने तमाम स्टेप्स हाउ टू मेक योर चाइल्ड रीड थ्रू फोनिक्स स्टेप बाय स्टेप गाइड देख बताई है, आप उसको देखें तो आपको फिर इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ऑलराइट, नाउ अब हम आते हैं उन टर्मिनोलॉजीज पे जो हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। नंबर वन इज फनीम। फनीम क्या होता है और ग्रफीम क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद फोनिक्स आएंगे तो ही आपके बच्चे को फोनिक्स आएंगे, अगर आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप अपने बच्चे को रटा लगवा सकते हैं पर फोनिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकते, ठीक है। अब हम इसको जानते हैं, मैं जितने आसान अल्फाज में कर सकती हूँ आप लोगों के लिए मैं करूँगी ट्रांसलेट, बिकॉज ऑलराइट ना, फनीम क्या है और ग्रफीम क्या है। हर लेटर की अपनी एक साउंड होती है, जैसे इसकी ए ब ख द एफ, ये सारी साउंड्स हैं। ये जो साउंड्स मैं बोल रही हूँ ना, जिनको मैं अटर कर रही हूँ, प्रोनाउंस कर रही हूँ, जो आवाज़ में निकाल रही हूँ, ये सब फनीम है। ये इसकी साउंड्स को हम बोलते हैं फनीम, और जो लेटर्स हैं ना जिनकी वो साउंड्स हैं उनको बोलते हैं ग्रफीम। ग्रफीम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लैंग्वेज में जो हम लेटर्स के साथ एसोसिएट करते हैं। अब ये जो लेटर है ना ये ग्रफीम है। अब ज़रूरी नहीं कि ये एक लेटर ही ग्रफीम हो, अगर लेट से मैंने एट बच्चों को पढ़ाया, ये एक एट की जो साउंड है ना एट साउंड, उसका ग्रफीम ए और टी है, ठीक है। अब बच्चे को कैसे करवाना है, मैं छोटा सा इसका रिकैप करा देती हूँ, फिर मैं जल्दी से नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगी। सी वी सी डायग्राफ्स, इवन ट्राइग्राफ्स कोआग्राफ्स क्या होते हैं, पुरानी वीडियो में मैं नहीं बता सकी, मैं आपको जल्दी से बता दूँ। डायग्राफ होता है व्हेन टू लेटर्स जॉइन टुगेदर एंड मेक वन साउंड, टू लेटर्स मेक वन साउंड, जैसे एट एक साउंड है, अन एक साउंड है, आई आई ये भी एक साउंड है, ये सारे जो एक साउंड्स है ना टू लेटर्स बना रहे हैं तो डायग्राफ है, थ्री लेटर्स हैं, देखिए इसमें कितने लेटर्स हैं, थ्री लेटर्स हैं लेकिन साउंड तो एक ही है ना, हम इसको ई ग ह तो नहीं पढ़ रहे ना, इसीलिए हम डायग्राफ्स पढ़ते हैं ताकि, और डायग्राफ्स ट्राइग्राफ सेगमेंटिंग ब्लेंडिंग हम इसीलिए करते हैं, नहीं तो ये तो इंग्लिश का गलत हो जाएगी हमारी ई ग पढ़ना इसको। ये देखें थ्री लेटर्स मेक वन साउंड, इसी तरह खोग्राफ्स होते हैं, खोग्राफ्स होते हैं जिसमें फोर लेटर्स मेक वन साउंड। इस तरह से जब एक साउंड हम निकालेंगे डिफरेंट लेटर्स को ज्वाइन करके, उनके डिफरेंट नाम हैं, ये वो टर्मिनोलॉजीज थी जो शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कि बच्चे को कैसे लेके चलना है। मैं सिर्फ ये स्टेप्स पढ़ रही हूँ आपके साथ, मैंने ये सब वीडियो डिस्कस की हुई है, फिर हम इनकी साउंड्स वगैरह पर आएंगे। जैसे कि स्टेप वन में आपने स्मॉल लेटर्स को साउंड्स के साथ इंट्रोड्यूस कराने हैं। अब ये देखें इसके पीछे इसकी पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पे लेटर साउंड है। आपने जब बच्चे को साउंड इंट्रोड्यूस करानी है ना तो साथ वोकैबुलरी वर्ड्स लाजमी इंट्रोड्यूस कराने हैं, एम्बुलेंस, और एक जो लेटर है उसके साथ आपने फोर वोकैबुलरी वर्ड्स आइडियल हैं उसको इंट्रोड्यूस कराने, जैसे एप्पल, एम्बुलेंस, एक्स, एस्ट्रोनॉट, आप ज़्यादा भी करा सकते हैं बट फोर एक ऐसी रेंज है जो एक्सपर्ट कहते हैं जो आइडियल है। ये देखें एम्बुलेंस। अब बच्चे को आपने साउंड करा देनी है, ए से हमने पहचान करानी है। अगर आपने कैपिटल ए के साथ इसको करवाया ना, जैसे ये स्टेप थ्री है, अभी आपने इस पर नहीं आना। अगर हमने कैपिटल लेटर के साथ एप्पल कराया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि उसके लिए ये ए है। अब अक्सर होता है बच्चे घर आते हैं, टीचर ने उसको एक तरीके से पढ़ाया होता है, आप कहते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वो कहते हैं नो मामा दिस इज रॉन्ग, एप्पल। तो पढ़ने का क्या सही तरीका है वो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। ये ए है क्योंकि इसका नाम है ए, इसकी साउंड है ए, इसको हम नाम से पुकारते हैं कैपिटल लेटर को, स्मॉल लेटर को हम साउंड से पुकारते हैं, और ये वोकैबुलरी वर्ड पिक्चर देख के बच्चा प्रोनाउंस करता है। ए एप्पल, इस तरह पढ़ाने का सही तरीका है। बी बा बॉल, ठीक है, बा बा बॉल भी ठीक है, बा इज फॉर बॉल भी ठीक है, और जब बच्चा इन सब चीजों को सीख लेगा समझ लेगा तो आप उसको कह सकते हैं बी इज फॉर बॉल, अभी नहीं। स्टेप टू, स्टेप वन में आपने साउंड्स इंट्रोड्यूस करा दी, आपने सिर्फ अभी ना स्मॉल लेटर्स बस, आपने अगर बच्चे को पहली दफ़ा रीडिंग करा रहे हैं तो आप सिर्फ स्मॉल लेटर्स और कुछ भी नहीं, आप उसको ये बिल्कुल ना दिखाएं, आप उसको कैपिटल लेटर बिल्कुल भी ना दिखाएं, ये कैपिटल लेटर्स आप ना दिखाएं, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। अभी आप बस उसको ए बी सी डी की जो साउंड है ना वो बताएं, ए ब ख ड। अगर आप जॉली फोनिक्स को फॉलो करें तो उनकी जो पूरी एक्शन हैं, जैसे इसका पूरा एक सॉन्ग है, इसके एक्शन है, snake is in the grass, snake is in the grass,
ऐसे आप बच्चे के साथ आवाज निकालेंगे, गाना गाएंगे और उसका एक्शन करेंगे, तो बच्चा, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है अगर आप जॉली फोनिक्स को पूरा फॉलो करें तो। अच्छा, कुछ लोग जॉली फोनिक्स को अब ख से भी कराते हैं, मतलब ए बी सी के अल्फाबेटिक ऑर्डर से भी, वो भी ठीक है। उसके बाद स्टेप टू आ जाता है कैपिटल लेटर्स को कैसे आपने नेम्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। यहाँ पे आपने वो गाना गाना है ए बी सी डी, इसके बहुत सारे गाने मिल जाते हैं। यहाँ पे आपने कैपिटल लेटर, ये क्यू है, ख्वा नहीं है। जब स्मॉल लेटर क्यू होगा तो वो क्या होगा, ख्वा ख्वा। जब कैपिटल लेटर होगा तो वो क्यू है। जब भी आपने कैपिटल लेटर्स दिखाने हैं तो वो नेम्स के साथ इंट्रोड्यूस कराने हैं। ये ए है, ये आ है और ये एप्पल है। अच्छा, स्टेप थ्री पे इंट्रोड्यूस सीवीसी वर्ड। सीवीसी होते हैं कॉन्सनेंट वॉवल कॉन्सनेंट। ये इस तरह से फैमिलीज होती हैं, थ्री लेटर्स की फैमिलीज होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सनेंट आता है जो कि बच्चा लिखेगा, इनिशियल साउंड। फिर उसके बाद वॉवल आता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। फिर दोबारा से वॉवल आ जाता है। ये पूरी लिस्ट है, अगर आप ये बच्चे को करा दें तो वो उसकी रीडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। फिर आप इसके साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस जैसे दिस एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल, आई लाइक एप्पल, ये सब आप इसमें करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंट्रोड्यूस डायग्राफ्स। डायग्राफ्स, कोआग्राफ्स, डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स, कोआग्राफ्स हमने डिस्कस किए थे। टू लेटर मेक वन साउंड, थ्री लेटर मेक वन साउंड, फोर लेटर्स मेक वन साउंड। सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग सबसे मुश्किल स्टेज है। यहाँ पे आपने जितना टाइम देना है ना, यहाँ पे आपने सारा टाइम देना है। ये तोड़ और जोड़ है। अगर आपके बच्चे को उर्दू में तोड़ जोड़ और इंग्लिश में सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग आ गई तो उसके लिए रीडिंग बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन ये वो स्टेज है जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा टाइम देना है। यहाँ पे बच्चा ब्लेंड करता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ब्राउन बोलते हैं, ब्राउन नहीं बोलते, क्योंकि उनकी ब्लेंडिंग वो भी सीख नहीं पा रहे। वो इतने बड़े बच्चे भी हो जाते हैं, खलाउन क्लाउन नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को ब्लेंड करना नहीं पा रहे थे। वो ख और ल की साउंड अलग-अलग निकाल रहे हैं, जबकि खल खल क्लाउन ब्राउन इस तरह से, ठीक है। सो ब्राउन खलाउन, ब्राउन क्लाउन ऐसे बोलते हैं। इवन कुछ बड़े भी बोलते हैं, बिकॉज हमारी जो होती है ना अवेयरनेस नहीं होती हमें कि फोनिक्स के साथ कैसे रीडिंग करना है और ब्लेंडिंग कैसे करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए भी और रीडिंग के लिए भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉल्च लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ये वो साइट वर्ड्स हैं जो कि डॉल्च ने इंट्रोड्यूस करवाए थे रीडिंग एम्बेसडर ने। ये हर ग्रेड के लहदा बने हुए हैं। हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स फॉर ग्रेड वन, अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। फॉर ग्रेड टू डिफरेंट है। अगर आपका बच्चा थ्री में भी है तो आप वन से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टेप्स हैं, आपने इनको इसी तरह फॉलो करना है। मैं एक वीडियो भी आपको बना के शेयर करती हूँ जिसमें तमाम लेटर्स की मैं साउंड निकालती हूँ, करेक्ट साउंड। फिर ये जो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, डायग्राफ्स, कोआग्राफ्स, इन सब की साउंड्स और ये बच्चे को कैसे कराने और साइट वर्ड्स कैसे करवाने, वो मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच।